मिल गई बॉटल? हाँ, अरे मैं गई थी बट टेबल पे मिली नहीं थी। अच्छा। तो फिर मैंने पूछवाया, देन उन्होंने काउंटर पे ही रखा हुआ था उसका। एक चीज दी थी पकड़ाने के लिए, वो भी भूल के आ गई। ये लड़कियाँ सही में, जब मैं आ रही थी मुझे लग रहा था कुछ तो भूल रही हूँ, बट फिर मुझे याद ही नहीं आया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आज है संडे और रियांश घर पे है। रियांश के स्कूल का ऑफ है। कुछ दिन पहले रियांश को और विक को कोल्ड हो गया था और साथ में ही हुआ था। पहले रियांश को हुआ, फिर उसके बाद विक को हुआ, और दोनों इतने दिन से बीमार ही पड़े हुए थे। अभी जाके थोड़ा बहुत अभी ठीक हुआ है। तो आज सोच रहे हैं हम लोग कहीं चलो बाहर ही चलेंगे शाम को, इवनिंग में देखते हैं कहाँ जाते हैं। और तब तक मैं इन दोनों का, उसको तो मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है रियांश को, और मैं हमारा ही ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में आज फ्राइड राइस बना रही हूँ, और लंच में मैंने आज विक को बोला कि चिकन ही मंगा लो, तो उसने चिकन ही ऑनलाइन मंगाया। आज लेने नहीं गया क्योंकि अभी ठीक हुआ है वो, तो मैंने बोला कि आज जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम ऑनलाइन ही मंगा लो। तो आज मैं वही आज चिकन बनाऊंगी। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी मैं हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेती हूँ, और उसके बाद लंच भी तो बनाना है रियांश का और हमारा भी। 10:30 बज रहे हैं और रियांश को नहलाना भी है। हाँ, मुझे भी नहाना है। अच्छा, विक ने भी नहीं नहाया आई थिंक, तो विक को भी नहाना है, तभी बोल रहा है कि तभी आऊँगा मैं व्लॉग में। और ये देखो एक पिंपल निकल आया मेरे, मतलब गर्मी स्टार्ट हो गई और पिंपल आना स्टार्ट हो गया। और मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा आइस पैक लगाऊंगी, आइस से मसाज करूंगी। आइस से मसाज करने से क्या होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन होता है फेस पे और फेस ग्लो भी करता है, और ये जो पिंपल्स वगैरह और ब्रेकआउट्स निकलते हैं वो भी ठीक हो जाता है। तो रात को ही करूंगी मैं, अभी तो टाइम है नहीं, रियांश को भी देखना है। तो फिर मैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ खाना बनाने की। फ्राइड राइस बनके रेडी हो चुके हैं और जल्दी जल्दी हम लोग फिर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो मैं हो चुका हूँ नहा धो के रेडी, और काफ़ी दिन से बीमार ही पड़ा हुआ था मैं। तो होली जिस दिन था उसी दिन से मेरे को कोल्ड हो गया था। रियांश को पहले से ही था, लेकिन उसी दिन मुझे भी हो गया, तो होली का व्लॉग भी नहीं बना पाए हम, क्योंकि उतना होली हमने खेला ही नहीं था, और फिर एनर्जी भी नहीं थी बोलने की। और अभी थोड़ा फिलहाल ठीक फील हो रहा था मुझे, तो मैंने सोचा आज ही ब्लॉग बनाया जाए। संडे भी है तो थोड़ा बाहर भी निकला जाए, क्योंकि एक हफ्ते से पूरा घर पे ही बैठे हुए हैं हम। देखता हूँ सू क्या कर रही है, और आज कुछ बनाने वाली थी वो चिकन विकन। और क्या बना रही हो फिर? भाई चिकन बना रही हूँ, आज संडे है। अच्छा, वाह। हाँ। बढ़िया लग रहा है देखने में। बोला था ना जल्दी बन जाएगा। क्या बोल रहे थे, मेरी मेहनत हो जाएगी आज। अच्छा, तो कितना सोचता हूँ मैं तुम्हारे बारे में। पता है, लेकिन मैं भी तुम्हारे बारे में सोचती, इसलिए सोचा कि तुम थोड़ा अच्छा खाओगे संडे है आज। अच्छा, वाह, थैंक यू। तुमने तो नहीं बोला थैंक यू। हैं, थैंक यू मतलब मैं जो कर देती हूँ उसी में थैंक यू। ओह अच्छा, तो हाँ मैं नहीं बोल दिया तुम्हें। थैंक यू। एनर्जी नहीं है अभी भी मेरी। तो बाहर कैसे निकलोगे अगर एनर्जी नहीं होगी तो? चलो चिकन खाओगे एनर्जी आ जाएगी। हाँ वही सोच रहा हूँ कि हाँ। चिकन खाएंगे थोड़ा तो। अरे ये नंगू कहाँ से आ गया? अरे नंगू नंगू। अच्छा अच्छा, क्या हो गया? अच्छा नंगू नंगू, सब देख लेंगे आपको, शिम शिम बोलेंगे पर। है नंगू नहीं दिखाना है। ओए फिर शाम को क्या प्लान है? शाम को तुमने क्या सोचा है, कहाँ चलना है? आज मैं लेके जाऊंगा तुम्हें एक ढाबा पे। बहुत दिनों से, बहुत सालों से मैंने ढाबा का खाना नहीं खाया। ये वैसा ढाबा नहीं है, रोड साइड ढाबा नहीं है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड और थोड़ा अच्छा। हाँ थोड़ा सा फील आ जाएगा ना, बस वही बहुत है। हाँ लेकिन वैसा फील नहीं आएगा जो ऑथेंटिक ढाबा होते हैं। हाँ ऑथेंटिक ढाबों में कभी चलेंगे जब घूमने जाएंगे कहीं। हाँ रास्ते में पड़ेगा तो बिल्कुल। वहाँ की दाल मखनी खिलाऊंगा तुम्हें, रास्ते भर पूरा पेट खराब। घूमने जाते हुए तो हैवी होना ही चाहिए थोड़ा। नहीं, मुझे गाड़ी में धूम धड़ाके होने चाहिए फिर। नहीं, तुम्हें पता है मुझे मोशन सिकनेस होती है। अच्छा, तो खाने से भी मोशन सिकनेस लेना। अगर ऐसा मसाले वाला स्पाइसी या क्रीमी फूड खा लूंगी मैं, उससे ही हो जाएगा। अच्छा, मैं खाऊंगी डोसा। नहीं आज थोड़ा सोच रहे हम वेज ही खाएंगे। हाँ, बहुत हो गया, घर पे भी चिकन ही बन रहा है। क्योंकि आज दिन में सुबह भी तुमने इतना तड़कता भड़कता मिर्च मसाला वो फ्राइड राइस बना दिया। हाँ
मिर्च मसाला नहीं डाला था मैंने उसमें, जो भी है मेरे को तो मिर्ची लग रहा था। बंगाली वो होता है, तुम्हें वैसे भी थोड़े से मिर्ची में मिर्ची लग जाती है। अब चिकन खाऊंगा मैं फिर, और उसके बाद तो फिर रात को थोड़ा लाइट ही खाएंगे, है ना? वैसे भी लाइट खाएंगे। मुझे बहुत दिनों से ना डोसा खाने का मन है, सोच रही हूं, देखती हूं डोसा खा लेती हूं। अच्छा, बन गया चिकन इतनी जल्दी? अभी चढ़ा है। अभी तो बोल रही थी टाइम लगता है भाई। अरे तो ऐसे भी थोड़ी, चिकन गलने में तो टाइम लगता है ना, मतलब बनाने में टाइम नहीं लगता कि चढ़ा दिया बस बनता रहेगा अपने आप ही। सो तो अपना चिकन बना रही है, बढ़िया खुशबू आ रही है, शानदार है ना? हाँ, रेडी होने ही वाला है और हम थोड़ा लंच वंच करेंगे अब, और उसके बाद हमने सोचा है कि थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर रियांश को भी, क्योंकि उसका भी थोड़ी तबीयत वैसी है, तो उसको थोड़ा रेस्ट करके ही शाम को थोड़ा बाहर जाएंगे हम। तो चलिए मिलते हैं आपसे शाम को। A few hours later. तो सोने की कोशिश करी हम दोनों ने काफी, बट नींद ही नहीं आई, है ना? सो तुम्हें आई नींद? नहीं, पहले नहीं आ रही थी, फिर जबरदस्ती सोई थी मैं थोड़ी देर के लिए, फिर आ गई। ये तो घोड़े बेच के सोती है भाई लड़की, कभी भी सुला लो इसको। घोड़े बेच के सोती है? मैं घोड़े बेच के नहीं सोती, मैं काम करती हूँ तो नींद आती है, थकान हो जाती है। अच्छा, वैसे तो मैं एक हल्की सी भी आवाज आ जाती है ना, नीडल की भी, तब भी उठ जाऊँ मैं। ओ बाप रे, क्या किसी ने पूछा है तुमसे? वाह दीदी वाह दीदी, बता रही हूँ ना, तो बोल रहे घोड़े। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए हमें, ठीक है? कल दो तीन दिन से तो भैया रियांश ने सोने नहीं दिया है, मैं रात भर पूरा जगा के रखा हुआ है इसने। हैं रियांश, हैं क्या कर रहे हो आप हर रोज, सोने क्यों नहीं दे रहे मम्मी पापा को? ऑल टाइम फेस पे हाथ लगाने लग जाएगा, ऐसे ही करता रहेगा रात भर भी, देखेगा हम है या नहीं साइड में, और फेस पे हाथ, अब तो फेस पे हाथ लगा भी तो तब भी एक और हाथ चाहिए। दो तीन दिन से सोने नहीं दिया, खुद फिर अपनी नींद पूरी कर लेगा अच्छे से। तो आज फिर सर दर्द हो गया मेरे, लेकिन आज हम सोच रहे हैं बाहर निकलेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए ठीक होगा भी। वरना बस पूरा वीक फिर दोबारा इंतजार करना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। चलो मैं तुम्हारे लिए अच्छी कोई जिंजर टी बनाती हूँ, तब तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छी कोई जिंजर टी भी होगी? ग्रीन टी से सर दर्द कैसे जाएगा? बॉडी वो हो जाती है ना बिल्कुल। नहीं, डीटॉक्स? हाँ नहीं, हमें नहीं करना डीटॉक्स, एक सिंपल जिंजर टी पियेंगे और निकलेंगे बाहर ढाबा पे खाना खाने, है ना रियांश? A few moments later. चले फिर। हाँ चलते हैं, हम तो रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं हम, थोड़ा कुछ खा के आते हैं बाहर से, आज एक हफ्ता हो गया था कहीं बाहर निकले हुए, और हम जा रहे हैं अभी इंडियन ढाबा कंपनी में, ये गौर सिटी 2 में है, और थोड़ा फूड ट्राई करते हैं वहाँ का कैसा है और दिखाते हैं आप सभी को। कैसा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, देखने में तो सही है, वैसे तो बड़ा ही है और देखने में भी अच्छा ही है। हाँ। फूड देखते हैं कैसा होता है। हाँ। ना? और रियांश कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? रियांश भागने के लिए रेडी है, नहीं यहाँ नहीं जाना, चलो बैठ जाओ, ठीक है? ये है यहाँ का मेन्यू, लेट्स सी इसमें क्या है। वेज ही है यहाँ पे मोस्टली नहीं, मतलब सारा वेज ही है, नॉन वेज तो नहीं है, तो वेज ही खाएंगे हम लोग। तुम्हें क्या ऑर्डर करना है, कुछ दिख रहा है? तो मैं तो लाइट ही खाऊंगा, थोड़ा लाइट खाओगे? पाव भाजी टाइप। पाव भाजी टाइप या पाव भाजी? पाव भाजी देखता हूँ, या तो कुछ और खाऊं?
देखो देखो तुम्हें क्या खाना है? मुझे, मैं देखती हूँ, मसाला डोसा सोच रही हूँ मैं, या क्या खाऊँ तुम बताओ। तुम्हें क्या खाना है वो मैं कैसे बताऊँ? कुछ भी मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है डोसा और मेरा मसाला डोसा आ चुका है और विक वेट कर रहा है, अभी तक नहीं आया उसका। क्या ऑर्डर किया तुमने? फिर से गिरा दिया मेरा फोन, वैसे ही खराब हो गया है मेरा फोन। मैंने अपने लिए पनीर टिक्का रोल ऑर्डर करा है। हाँ, और अच्छा। क्या ऑर्डर करा था? स्ट्रॉबेरी भी। हाँ, और मैंने अपने लिए ब्लू लग, तो वो नहीं आया है, तब तक मेरा डोसा ठंडा हो जाएगा, मैं खा लेती हूँ जल्दी। फिनिश करो अपना ऑर्डर। तो ब्लू लगून और स्ट्रॉबेरी शेक आ गया है, बट तुम्हारा जो ऑर्डर किया था वो आया ही नहीं अभी तक। पनीर टिक्का रोल तब तक हम खा के पी के फिनिश कर लेंगे और तब आएगा। क्या फूड रिव्यू दे रही हो तुम? क्या नहीं लिया मैंने? ये ऑरेंज वाली चटनी किससे बनती है मुझे नहीं पता। खाने में इतना वो हो गई है, सब भूल गई। ये भी अच्छा लग रहा है, ब्लू लगून और मेरा स्ट्रॉबेरी मिल्क से। तो मेरा पनीर टिक्का रोल आ चुका है और आगे ट्राई करता हूँ कैसा है टेस्टी। सूखा तो डोसा काफ़ी अच्छा है, टेस्टी किया था मैंने। अब तो पनीर टिक्का रोल खाता हूँ मैं अपना ज़रा। तो मैंने तो अपना फिनिश कर दिया है खाना, और ये विक कैसे खा रहा है? विक ये कैसे खा रहे हो तुम, गिरा गिरा के फैला के? ये तो रोल नहीं लग रहा मेरे को, तो ऐसा लग रहा है रोटी सब्जी खा रहा हूँ मैं। इतना सॉफ्ट रोल है, खाया ही नहीं जा रहा है, उठाया ही नहीं जा रहा है। मिल गई बॉटल? हाँ, अरे मैं गई थी बट टेबल पे मिली नहीं थी। अच्छा। तो फिर मैंने पूछवाया, देन उन्होंने काउंटर पे ही रखा हुआ था उसका। एक चीज दी थी पकड़ाने के लिए, वो भी भूल के आ गई है लड़कियाँ। सही में जब मैं आ रही थी मुझे लग रहा था कुछ तो भूल रही हूँ, बट फिर मुझे याद ही नहीं आया। चलो अब जल्दी फटाफट, लेट हो रहा है। तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं और रियांश को थोड़ा पानी दे दिया है, उसके भी डिनर का टाइम हो गया है और फटाफट से हम चेंज करते हैं। और कैसा लगा तुम्हें खाना? तो बहुत अच्छा था, प्लेस भी काफी अच्छा था। हाँ, भीड़ हाँ। तो थी नहीं उतनी वैसे, लेकिन बाद में काफी भीड़ हो गई थी क्योंकि डिनर टाइम था तो सारे डिनर करने ही आ रहे थे वहाँ पे। आज वैसे भी संडे है और काफी सही था आज का दिन। हाँ। थोड़ी थकान भरा दिन था लेकिन ठीक है, बाहर जाके थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। मुझे थकान नहीं हुई। तुम तो वैसे भी मेरी तबीयत ठीक है इसलिए मुझे थकान नहीं हुई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सही है, अच्छा आउटिंग हो गया हमारा थोड़ा। हाँ, आज का थोड़ा और रिफ्रेशिंग भी हो गया। यस, वीक में एक बार तो बनता है। हाँ, ना बाहर निकलना थोड़ा। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और हमारा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विक्सु व्लॉग्स, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे नेक्स्ट वीडियोस के हमारे। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।